हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इवनिंग सेशन में आज मैं बहुत एक हेल्दी चीज़ दिखाऊंगी। अक्सर ये लोग डिश बना के खाते हैं, लेकिन हम कच्चा ही खाएंगे। बहुत ही कच्चा है, ये है हरा चना, ग्रीन कलर का चना। तो इसको आप सलाद भी बोल सकते हो, इवनिंग स्नैक्स भी बोल सकते हो। अच्छी तरह से धो लीजिएगा, क्योंकि हम कच्चा कच्चा ही खाएंगे। ये पेड़ में होता है, फलियों में। ये थोड़ा महंगा स्नैक्स है। तीन चार बार धो लीजिए, क्योंकि कच्चा खाना है। राफली, मैंने इसको छिलका राफली करेंगे, ठीक है। तो छोटा छोटा टुकड़े ही कर लेते हैं। प्रेशर को बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताती हूँ, मेरे चैनल में इसका एक डिश बना के मैंने प्रॉन्स यश श्रिंप के साथ दिखाया, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन ये बिना कुक का महंगा ज़रूर है। पौधे के साथ इसको सेल होता है, वो लेंगे, लेकिन वो नुकसानदायक होता है, इस वजह से कि बहुत कम हो जाता है। वो पौधा ही मिलता है, ये बहुत महंगा है। अब बाज़ार में ये कर लेना। ये लोग सिंधी लोग बहुत इसको पसंद करते हैं, हरा चना का जो डिश होता है, जैसे छोले बनाते ना हम लोग, वैसे। आलू है, छोटा टुकड़ा कर दिया, दो सीटी लगे हम इसमें। बहुत तेज मिर्ची है, आप लोग को ज़्यादा चाहिए तो आप लोग ले लीजिएगा। अच्छा खाना करना पड़ता है। मोमो सोमो पिज़्ज़ा फिज़्ज़ा कितना खाओगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा मैदे में। ये सब खाओ, दाम एक ही है, दाम कोई ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, सॉरी। सीजन का धनिया, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, इधर घर में हम लोग सब्जी लेते हैं, बाजार कौन जाएगा बोलिए, तो ज़्यादा दाम लेते, इस वजह से मिर्ची धनिया फ्री, मतलब वो लोग पूसा लेते हैं। मैं ना और थोड़ा हरी मिर्ची दे देती हूँ, आज झाल झाल खाएंगे, झाल झाल फेंकना पड़े फिर भी अच्छा है। तो रेडी है, तो इसको आलू जब इसका रिलीज हो जाएगा सिटी, तो कैसे बनाएंगे हम दिखा दूँगी मैं। गुड इवनिंग दोस्तों, आज एक मज़ेदार स्नैक्स बनाऊंगी, वो तो मैंने दिखाई दिया आप लोगों को। तो ये है हरा चना, जैसे आप लोग हरी मटर खाते हो ना, ये हरा चना। और ये काबुली चना का चना है, चना है काला चना होता है, काबुली चना का जब ये उगता है ग्रीन ग्रीन रहता है, ठीक है। और चाहिए आलू, चाट मसाला, नमक, इसमें से हम लेंगे लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, ठीक है। और ये प्याज, ये एक सलाद या इवनिंग स्नैक्स कुछ भी बोल सकते हो। हरी मिर्ची, टमाटर, धनिया पत्ती और नींबू, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। बहुत एक हेल्दी चीज़ है, लेकिन मैं बोल देती हूँ थोड़ा महंगा है, क्या करें, महंगाई का ज़माना है, महंगा है। तो ये आलू हम सड़ा दे देंगे, ठीक है, इसको मैं रख देती हूँ, इसको मैं थोड़ा चाकू से काट दूँगी। नया आलू राफली, मैंने इसका छिलका निकाला था, अभी मैं चाकू से इसको काट दूँगी।
धीरे धीरे मैं टमाटर दे दूंगी। मैं सीधा रख देती हूँ। धनिया पत्ती, सारा प्याज दे दूंगी। ये शाम के समय में खा लो, सूप पी लो, बस डिनर का जरूरत नहीं होता। 7:30 बजे या 7 बजे अगर खा लोगे तो डिनर का जरूरत नहीं होगा। ये नमक ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि हम इसमें चाट मसाला देंगे। कोई भी ब्रांड का चाट मसाला ले लीजिए, मुझे ये ब्रांड पसंद है। मैं फल का जब सलाद बनाती हूँ, सलाद टाइप, बस ज़्यादा नहीं। मिर्च मतलब, और ये धनिया पाउडर। चाट मसाला में सब कुछ है लेकिन ऊपर से मैंने दिया, और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा दे देती हूँ मैं। फ्री स्नैक्स या सलाद बोलिए, आप डिनर के समय में खाना खाने से के साथ इसको आप ले सकते हो। और ये माइंड इट कि ये सर्दी के मौसम में ही मिलेगा, कुछ दिन के लिए आता है। ये तो सिंधी लोगों का बहुत पसंदीदा चीज़ है, मुझे भी बहुत पसंद है। मेरी डॉटर के लिए मैं मेनली बना रही हूँ, उसे बहुत पसंद है। मैं बैठ जाती हूँ। तो देखिए मैंने तैयार कर दिया इवनिंग स्नैक्स या सलाद, तो बहुत ही अच्छा बना है। तो मैं खाके भी देखती हूँ, एक स्पून ले लेती हूँ, टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना। टमाटर लेती हूँ थोड़ा, ज़रूर खाइएगा इंटर में, ये मज़ा आ रहा, बिल्कुल ऑयल फ्री। आहा, तीखा खट्टा नींबू की वजह से, आलू भी आलू कबली जैसा, छुटपन में हम खाते थे आलू कबली। दिखा दिया पूरा प्रोसेस, आप बाजार जाइए या रेडी वाला से 200 ग्राम ये चना ले लीजिए। दाम नहीं मैं बताऊंगी, काफ़ी मतलब महंगा चीज़ है ये, एक दो बार खाई जा सकता है। दोस्तों मैंने सारा प्रोसेस दिखा दिया, कुंसी बिरयानी को आगे बढ़ाने में मदद करिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय दोस्तों, वीडियो देखने के लिए कुन की तरफ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। बाय।